हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में टेंस के अंतर्गत आने वाले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर में फ्यूचर इंडिफिनिट और कंटिन्यूस पर चर्चा कर चुके हैं, तो उसी के संदर्भ में आज हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज यह जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, यह टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है, क्योंकि इसको आप जो है बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह टेंस ऐसा टेंस है जिसमें कभी कभी दो वाक्य आ जाते हैं। तो उसके पहले हम जो है उस टेंस पर चर्चा करने से पहले उसकी पहचान, उसकी सहायक क्रिया इत्यादि चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम जो है उसके रूल्स और ट्रांसलेशन के जो मेथड होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट टेंस अंडर फ्यूचर टेंस अंडर इंग्लिश ग्रामर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। तो सबसे पहले हम उसके पहचान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो 12 टेंस होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक 3 टेंस के 4 अलग अलग टेंस होते हैं, उसमें इस प्रकार से हो जाते हैं 12 टेंस। तो इन 12 टेंस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हम जो है 11वें टेंस पर चर्चा कर रहे हैं, मतलब कि जो 11वां टेंस है टोटल टेंस को मिला करके। तो आई मीन टू से दैट देर आर 12 टेंसेज अंडर फ्यूचर टेंस। टुडे आई विल डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ फ्यूचर टेंस। ऑल ऑफ फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस। सबसे पहले हमें इस टेंस की पहचान को जानना पड़ेगा। तो पहचान के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकूंगा, इत्यादि शब्द आते हैं। चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, इत्यादि शब्द आते हैं। शब्द आते हैं कथन हमेशा पूर्ण रहता है। तो आप देख रहे हैं दीज वर्ड आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस। मतलब ये शब्द जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये इसकी पहचान हैं। अर्थात जब वाक्य, आप किसी प्रकार से कोई वाक्य को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसकी पहचान करना चाहिए कि किस टेंस का वाक्य है। तत्पश्चात आपको उसके सेंटेंस के बारे में सोचना चाहिए कि किस सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं वो 3 होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये प्रत्येक टेंस की बात होती है कि ये प्रत्येक टेंस में ये होते हैं।
तो आप देख रहे हैं दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस. सो देयर आर थ्री सेंटेंसेज अंडर एनी टेंस, आइदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आइदर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आइदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो देयर आर थ्री टेंसेज ऑफ ऑल टेंसेज, मतलब कि प्रत्येक टेंस के तीन सेंटेंस होते हैं. तो जहाँ पर जब रूल्स की बात आती है तो सबसे पहले उसके पहले जो है हम सहायक क्रिया की चर्चा करते हैं कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है. तो सहायक क्रिया के रूप में दो सहायक क्रिया आती है, विल हैव और शैल हैव, ये इस टेंस की सहायक क्रिया होती है. अब हम ज्यों इसके टेंस में सेंटेंस की बात करते हैं, ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत तुरंत रूल्स की बात आ जाती है कि रूल्स इसके क्या होते हैं. जब रूल्स पर आप आएंगे तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव सेंटेंस का क्या रूल है, नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, इसके पश्चात ही आप टेंस को जो है ट्रांसलेट करेंगे. तत्पश्चात आप ये देखेंगे कि सहायक क्रिया, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दो सहायक क्रियाएँ होती हैं, विल हैव और शैल हैव. अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं. जब रूल्स की बात करेंगे तो उसमें आएगा सर्वप्रथम पॉजिटिव सेंटेंस. तो पॉजिटिव सेंटेंस पर चर्चा करते हुए हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का नियम क्या है. तो पॉजिटिव सेंटेंस का नियम इसमें है, जैसा कि आप एक चीज़ और जान लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो वाक्य आते हैं. तो जब दो वाक्य आते हैं तो एक का जो है अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, दूसरे का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है. तो आप जो है ये जानते रहिए कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक साधारण वाक्य आ जाएगा, मतलब एक वाक्य आएगा, तो आप उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसका अनुवाद करेंगे. यदि उसमें दो वाक्य आ जाएगा तो केवल वो वाक्य जो है वो पहले शब्द से जुटा रहेगा, मतलब उसमें बीच में पहले शब्द आएगा, वो कंजक्शन के रूप में उसमें लिखा जाता है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब कभी दो वाक्य आ जाए तो आप उससे बिल्कुल नहीं आप घबराएंगे. जैसे दो वाक्य अगर आ गया है तो एक वाक्य मान लीजिए ए हो गया और एक वाक्य ये हो गया, दो वाक्य इसमें आ गए हैं, तो इसमें जो पहले शब्द आएगा, यहाँ बीच में एक पहले शब्द आएगा, तो पहले के बाद का अनुवाद, जैसे आप देख सकते हैं मेरे स्कूल पहुँचने से पूर्व वर्षा हो चुकेगी, वर्षा हो चुकी होगी, एक ये अनुवाद हो गया. इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दो वाक्य है. यदि एक साधारण वाक्य, जैसे अगर वो जो है कि मैं एक निबंध लिख चुकूंगा, देखिए मैं एक निबंध लिख चुकूंगा, इसमें एक वाक्य है आप देख रहे हैं और इसमें दो वाक्य है. तो कहने का तात्पर्य है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो वाक्य आ जाते हैं. जब दो वाक्य आ जाएं तो दूसरा शर्त लागू हो जाता है और जब एक वाक्य रहेंगे तो दूसरा शर्त लागू होगा. तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा इत्यादि शब्द आते हैं, इन शब्दों के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है पहचाना जाता है. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की दो सहायक क्रियाएँ होती हैं, विल हैव और शैल हैव. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि द हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव एंड शैल हैव विल बी यूज्ड विथ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस. देयर आर नो डिफरेंस टू यूज ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स. सो स्पेशली आई एंड वी, विथ आई एंड वी शैल वी इज यूज्ड, मतलब ये कहा जाता है कि आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग किया जाता है, शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य कर्ता के साथ, अन्य पर्सनल प्रोनाउन के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है. लेकिन जो ये आई और वी के साथ जो शैल हैव का जो प्रयोग है वो, मतलब इस समय जो है मॉडर्न इंग्लिश में, मतलब ये पाश्चात्य, मतलब पहले जो
ये पद्धति थी उस समय उनके साथ आई और वी के साथ सेल हैव का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस मॉडर्न यूज में, मॉडर्न मतलब कि इस समय आधुनिक जो अंग्रेजी का प्रयोग है व्याकरण के प्रयोग में, सभी के साथ मतलब कि किसी प्रकार से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी कर्ता जो होते हैं, जैसे यहाँ पर है आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, सी है और ईट, ये सात होते हैं। पहले क्लासिफिकेशन किया गया था कि आई और वी के साथ सेल हैव का प्रयोग किया जाएगा, बाकी अन्य कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इस समय जो है मॉडर्न यूज में, आधुनिक प्रयोग में सभी के साथ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सबके साथ विल हैव का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है, अधिकतर जो है विल हैव का ही प्रयोग किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये आपको समझने की आवश्यकता नहीं है कि वाक्य गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें दो सहायक क्रिया होती हैं। और मैंने ये बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समटाइम्स वी कैन सी देयर आर टू सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सो इफ़ टू सेंटेंसेज हैव कम इन टू द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द कनेक्ट एज ए कनेक्टर बिफोर वर्ड हैज कम इन द मिडिल ऑफ दैट सेंटेंस, उस वाक्य के बीच में यदि पूर्व शब्द आया हो, इसको पहले भी कहते हैं, तो आप ये ध्यानते रहिएगा कि पूर्व के बाद का अनुवाद जो होता है वो जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। पहले ये किस में होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कब होता है? पहले होता है। और ये कब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, बाद में होता है। तो इस शर्त को, इस नियम को आप जानते रहिए। आई मीन टू से दैट समटाइम्स देयर आर टू सेंटेंसेज हैव कम इन वन सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सो इट इज़ वेरी इजी रूल्स टू सॉल्व सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज विच हैव कम इन टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। If the word before has come in the middle of that sentence, so all of first you will try to start the first sentence after the word before. या आप ये कह सकते हैं कि पहले जो शब्द आया है उसके बाद का जो अनुवाद है वाक्य में सर्वप्रथम स्टार्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और यदि पूर्व शब्द या पहले शब्द के पहले का जो वाक्य है वो बाद में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ दैट टेंस, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इफ़ द ओनली वन सेंटेंस हैज कम इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस आर देयर आर मेनी सेंटेंसेज विच हैव ओनली वन सब्जेक्ट, देयर आर नो टू सेंटेंसेज इन अंडर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सो यू कैन ओनली यूज द रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, ऑफ नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो दीज आर द कंडीशंस, दीज आर द स्पेशली रूल ऑफ दैट टेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो यू कैन सी अंडर द रूल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो ऑल ऑफ फर्स्ट यू शुड नो, यू शुड एंड आइडेंटिफाई व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैज कम टू सॉल्व टू ट्रांसलेट। So you should know it is positive sentence, you should know it is negative sentence, you should know it is interrogative sentence. So if the sentence is related to the positive sentence, so you can use the rules of positive sentence. If the sentence is related to negative sentence, so you can use the negative sentence, rules of negative sentence. If the sentence is related of interrogative sentence, so I mean to say that there are two kinds of interrogative sentence. इस प्रकार से interrogative sentence दो प्रकार के होते हैं, और उस interrogative sentence की हम चर्चा जो है interrogative sentence में करेंगे। इस प्रकार से अब आप जो है पॉजिटिव सेंटेंस को देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे नियम, उसमें सारे जो रूल्स हैं, उसकी सारे जो पहचान है, उसकी जो सहायक क्रिया है, उस पर हमने चर्चा किया। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सहायक क्रिया है, दो शब्दों वाला वाक्य है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे, इसको आसानी से आप समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से हम आपको अब दिखाते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, और इसमें देखिए, तो इसमें नियम होता है कि सर्वप्रथम कर्ता, ऑल ऑफ फर्स्ट यू विल राइट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया, आप कर्ता के बाद सहायक क्रिया, टोटल सहायक क्रिया लिख देंगे, प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ये रूल्स होता है पॉजिटिव सेंटेंस का, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। देन यू विल राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस,
So if there are two sentences, so it is very easy to solve. So you can see here, Varsha ho chukegi ya ho chuki hogi, to ho jayega, it will have rained. Chuki isme mukriya ka third form aata hai, aap dhyan denge first form nahi balki third form hoga, mukriya ka third form. It will have rained before I reach school. ये हो गया, आप देख रहे हैं कि ये इतना जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हुआ है, मतलब ये वाला वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हुआ है और ये वाला वाक्य जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया है. आप ध्यान देंगे कि मुख क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा आता है, तीनों परफेक्ट की बात होती है, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, मतलब तीनों परफेक्ट टेंस में हमेशा और हमेशा मुख क्रिया का थर्ड फॉर्म ही आता है. तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं. तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत आप वाक्यों को देखिए कि वाक्य कैसे हल होते हैं. अब उसमें एक वाक्य रहेगा, दो वाक्य रहेगा, हम दोनों के वाक्यों को कैसे हल किया जाएगा उस पर चर्चा किए. फिर से हम रिवीजन करना चाहते हैं कि यदि वाक्य में पूर्व शब्द आया है, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत दो वाक्य आए हों, तो पूर्व के बाद का अनुवाद, मतलब पूर्व जहाँ शब्द हो उसके बाद जो लिखा गया हो वाक्य, उसका अनुवाद आप सर्वप्रथम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एंड आफ्टर दिस यू विल राइट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस इनटू द रूल्स, इनटू प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट. यू विल यूज द वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस. तो इस प्रकार से आप देखते हैं, देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के और सेंटेंसेज को आप देखिए. अब यहाँ पर एक सेंटेंस और दिखाई दे रहा है आपको कि मैं एक निबंध लिख चुकूँगा. अब इसको आपको ही जस्टिफाई करना है, आपको ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो वाक्य है वो एक वाक्य है कि दो वाक्य है. यदि यू आर नॉट एबल टू डिसाइड द सेंटेंस इज ओनली वन और द सेंटेंस इज ओनली टू, सो यू कैन नॉट, इफ़ यू हैव नॉट द कैपेसिटी टू डिसाइड द सेंटेंस ऑफ नंबर्स, मतलब सेंटेंस के नंबर कितने हैं, ये कितने वाक्य में है, कितने नंबर में, कितने नंबर हैं इसमें, एक वाक्य है कि दो वाक्य है, इसको आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा. अब देखिए, मैं एक निबंध लिख चुकूँगा. आई मीन टू से दैट इट इज ओनली वन सेंटेंस. वाई देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस, देयर इज ओनली वन मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस. सो इसकी एक ही क्रिया है, एक ही करता है, यह इस प्रकार से एक ही सेंटेंस है. तो यहाँ पर हो जाएगा आई, आप लिख सकते हैं आई सेल हैव रिटेन, थर्ड फॉर्म आएगा आई सेल हैव रिटेन. मैं एक निबंध लिख चुकूँगा, आई सेल हैव रिटेन एन एसे. देखिए ये वाक्य बन गया, मतलब कि आप एक वाक्य और दो वाक्यों के अंतर को आप जानिए. दो वाक्य रहेगा, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज विच हैव कम बिफोर, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस हैज कम बिफोर, मतलब दोनों वाक्यों के बीच में बिफोर शब्द आया है, कुछ घबराने की बात नहीं है. अब आप देख सकते हैं दूसरा, इसमें एक और वाक्य देख सकते हैं, जैसे पिताजी के. अच्छा, इसमें देखिए आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में दो ही सेंटेंस में आए, दो ही टेंस में दो वाक्य आने के प्रावधान होते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में जो दो वाक्य आते हैं उसमें दो अलग अलग वाक्यों से वो जुड़ा रहता है, एक में आफ्टर आता है, एक में बिफोर आता है. लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ओनली वन वर्ड विद द मीनिंग ऑफ पहले आर द मीनिंग ऑफ द बिफोर, द मीनिंग ऑफ द बिफोर, मतलब पहले शब्द की अंग्रेजी आती है बिफोर ही, अर्थात कहने का मतलब होता है कि बिफोर शब्द ही केवल उसमें आता है, आफ्टर शब्द नहीं आता है. मतलब और जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा बताया गया है, उसमें पहले और बाद दोनों शब्द आता है, लेकिन इसमें केवल और केवल यदि दो सेंटेंस रहेगा तो केवल और केवल क्या आएगा, पहले शब्द आएगा जिसकी अंग्रेजी होती है बिफोर. इसमें आफ्टर या बाद या पश्चात शब्द कभी नहीं आता है.
अगर आ भी जाएगा तो वो वाक्य बिल्कुल और बिल्कुल गलत रहेगा, लेकिन आपको उसको देखना पड़ेगा। कोई उसमें आफ्टर लगा करके, बाद लगा करके आपसे पूछता है तो आप उसको एक लाइन जवाब देंगे कि देयर इज नो ट्रांसफरेबल, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रूल विच कैन चेंज इन टू द ट्रांसलेशन इन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन विद द यूज ऑफ आफ्टर। तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर के प्रयोग से इसका अनुवाद नहीं बन सकता, बनेगा तो गलत हो जाएगा। पिताजी, जैसे यहाँ पर हो, पिताजी खाना खाने से पहले दफ्तर पहुँच चुके होंगे, अब देखिए यहाँ पर पहले शब्द आया है, अब आप देख सकते हैं पिताजी खाना खाने से पहले दफ्तर पहुँच चुके होंगे। इसमें सेंटेंस तो दो है लेकिन कर्ता एक है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार के भी वाक्य आ सकते हैं आपको हल करने के लिए। इसमें कर्ता एक ही है और वाक्य दो है, तो यहाँ पहले होगा पिताजी दफ्तर पहुँच चुके होंगे, द फादर विल हैव रीच्ड, लिख सकते हैं या गान भी लिख सकते हैं, विल हैव रीच्ड द ऑफिस। अब यहाँ पर आएगा बिफोर टेक्स फूड, यहाँ पर लिखा गया बिफोर टेक्स फूड, मतलब खाना खाने से पहले। तो आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस और दो सेंटेंस में क्या अंतर होता है, इसलिए आप ये हमेशा याद रखेंगे कि इसमें केवल और केवल बिफोर शब्द आता है, बाद शब्द नहीं आता है। मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाद के साथ, अगर बाद को बीच में रख करके, बाद को बीच में कंजक्शन के रूप में रख करके कोई अगर अनुवाद या कोई ट्रांसलेशन या कोई किसी प्रकार का वाक्य यदि आता है, पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल आप कहेंगे कि वो गलत है, ऐसा कभी पूछा भी नहीं जा सकता है लीगली। बट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस देयर आर टू कंजक्शंस विच आर एडिंग, विच आर कनेक्टेड विद द टू सेंटेंसेज। फर्स्ट सेंटेंस इज मेड विद द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सेकेंड सेंटेंस इज मेड विद द रूल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस देयर आर, इफ देयर आर टू सेंटेंसेज, फर्स्ट सेंटेंस विल बी मेड आफ्टर द सेकेंड सेंटेंस। सो द फर्स्ट सेंटेंस विच विल बी मेड इन द विद द रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द फर्स्ट सेंटेंस विल बी मेड आफ्टर दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो इट इज़ वेरी सिंपल रूल्स। मैं पहले ही ये बता चुका हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है थोड़ा सा कंटिन्यूस और इंडेफिनिट टेंस से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें डिफिकल्टीज बहुत नहीं है, लेकिन इसमें ये शर्त है कि यदि वाक्य दो आ जाए, दो वाक्य आएगा तभी इसमें परेशानी है, नहीं तो ये बहुत सरल है, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया ये है, क्योंकि इसके नियम ये हैं, तो इसमें आप कुछ घबराने की बात नहीं है। यदि एक वाक्य है तो देखिए कितने आसान तरीके से वह एक वाक्य बनता है, जैसे वह सो चुका होगा, वह सो चुका होगा, आप देख रहे हैं कैसा वाक्य है, वह सो चुका है, एकदम वेरी सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ही विल हैव, थर्ड फार्म आता है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मुख्य क्रिया का थर्ड फार्म ही आता है, इस सेंटेंस में मुख्य क्रिया का थर्ड फार्म आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, और चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी में क्या आता है, मुख्य क्रिया का थर्ड फार्म। तो इस प्रकार से आई होप दैट यू विल हैव नोन अबाउट द रूल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस विच आर रिलेटेड टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो इफ द ओनली वन सेंटेंस हैज कम, और इफ द ओनली सिंगल सेंटेंस हैज कम इन अंडर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सो इट इज वेरी ईजी रूल्स टू ट्रांसलेट। If there are two sentences or if there are double sentences have come,
into that future perfect tense. So it is more difficult than other sentences, and you should understand about the rules of double sentences which have come into future perfect tense. जो future perfect tense में दो वाक्य आ गए हों, double वाक्य आ गए हों, तो आप पहले के इस फार्मूले को जानते रहिए. जैसा कि मैंने बताया है, यदि वाक्य के बीच में पहले शब्द आया हो तो पहले के बाद का अनुवाद सर्वप्रथम होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, पहले के पहले का अनुवाद बाद में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो इस प्रकार से यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस, ये दो वाक्य वाले जो मतलब सेंटेंस होते हैं, मतलब कि जो दो सेंटेंस आते हैं वो सभी में सेंटेंस में आएंगे. पॉजिटिव में भी दो आ सकता है, निगेटिव में भी दो आ सकता है, और इंट्रोगेटिव में भी दो आ सकता है. लेकिन रूल्स वही होगा, पहले के बाद का अनुवाद सर्वप्रथम करेंगे, उसके साथ नकारात्मक का प्रयोग करेंगे. पहले के बाद का अनुवाद सर्वप्रथम करेंगे, उसमें सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक का प्रयोग करेंगे. और यदि वो फ्यूचर परफेक्ट में पॉजिटिव सेंटेंस का है तो ऑलरेडी जैसा नियम है वैसा होगा, और उसमें क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया के साथ नाट का प्रयोग होगा. उसके अकॉर्डिंग पहले सहायक क्रिया लिखी जाएगी, पहले मुख्य प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाएगा. तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड पॉजिटिव सेंटेंस. आप देखते रहिए, अब हम निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं. इसके अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस, अब जो है निगेटिव सेंटेंस के रूल्स को आप देख लीजिए. उसका निगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है, मतलब नकारात्मक वाक्यों का जो फार्मूला होता है वो कैसे होता है, तो निगेटिव सेंटेंस को आप देखिए, पहले उसके रूल्स को देख लीजिए, इसके बाद हम जो है सेंटेंस एक्सरसाइज को हल करेंगे. इसमें भी है सर्वप्रथम कर्ता, सर्वप्रथम कर्ता. अब देखिए विल हैव और शैल हैव जो है उसी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है. अब ये इसका फार्मूला है, मतलब इसको नियम लगाने का यही फार्मूला होता है कि सर्वप्रथम कर्ता प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस है प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आई और वी के साथ ये जो पद्धति थी, आप चाहें तो आप इस समय लगा सकते हैं. यदि आप विल लगा देंगे तो कोई गलती भी नहीं मानी जाएगी. तो आप जो है आप देख रहे हैं कि कैसे निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है. आप देखिए, हम वाक्य को हल करते हैं. वह एक निबंध नहीं लिख चुकी होगी, नहीं लिख चुकी होगी. इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ ओनली सिंगल सेंटेंस विच हैव टू ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश. सो इफ इट इज सिंगल सेंटेंस यू कैन नॉट गेट एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व इट. वाई इफ द सेंटेंस इज ओनली वन आर सिंगल, सो द बेसिकली रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ निगेटिव सेंटेंस कैन बी यूज देयर. सो इट सी will not have written an essay. It is single sentence. It is single sentence. So if the double sentence इन वन सेंटेंस, अब आप देख सकते हैं अगर दो वाक्य हो तो कैसे होगा. जैसे माताजी के खाना, माताजी के खाना, तो आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को आप देखिए, माताजी के खाना पकाने से पहले पहले वर्षा नहीं हो चुकेगी, नहीं हो चुकी हो चुके हो चुकी होगी. दोनों बातें लिखी जा सकती हैं. अब देखें, पहला जो वाक्य था वह एक निबंध नहीं लिख चुका होगा, ये निगेटिव था, उसके साथ विल और शैल के बीच में नाट का प्रयोग किया गया.
अब उसी के अंतर्गत मतलब नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत ये एक ऐसा वाक्य आ गया है जिसमें दो वाक्य हो गए हैं, मतलब कि डबल सेंटेंस हैं, दो वाक्य हैं। अब ये रूल्स होता है, प्रत्येक में ऐसे नियम है, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर और बिफोर आता था तो उसमें वही नियम है, यहाँ पर भी वही नियम है कि जो वाक्य मतलब विच सेंटेंस इज इन प्रायोरिटी, मतलब जिसमें प्राथमिकता होगी, जिस वाक्य में प्राथमिकता हो कि ये वाक्य अगर पहले बनेगा ठीक है तो इसी में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। सो आई मीन टू से दैट द फर्स्ट विच सेंटेंस विल हैव ट्रांसलेट बिफोर इन द सेंटेंस इन द स्टार्टिंग सेंटेंस विच सेंटेंस विल डिपेंड ऑन द रूल्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस, उसी वाक्य वो वाक्य जो है नकारात्मक वाक्य के नियम पर निर्भर हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा वर्षा नहीं हो चुकी होगी तो हो जाएगा हाँ इट विल नॉट हैव रेंड, अब यहाँ हो गया विल नॉट हैव रेंड बिफोर, अब यहाँ है माताजी के खाना पकाने द मदर, अब यहाँ पर देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऐसा रूल्स है। तब माताजी के खाना पकाने से पहले तो यहाँ हो जाएगा कि द मदर, अब मुक्रिया के मुक्रिया में यस या यस लग जाएगा, द मदर कुक्स द द फूड या फूड, ज़्यादातर फूड ही लिखा जाता है, द फूड इसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मटेरियल नाउन में अधिकतर जो है आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दो सेंटेंस वाले वाक्य नकारात्मक वाक्य हैं तो जो वाक्य पहले बनाया जाएगा, जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो प्रायोरिटी पर निबंध हो निर्भर होगा उसी में नकारात्मक सेंटेंस का जो नियम है कि कर्ता प्लस सेल या सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव, तो उसी का जो है नकारात्मक वाक्य बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब हम तीसरे सेंटेंस पर चर्चा करेंगे कि तीसरा सेंटेंस आप फिर तीसरे सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस के रूप में देखिए, मैं अपना कार्य कर चुकूंगा, बहुत सरल सब सेंटेंस है, मैं अपना कार्य कर चुकूंगा। तो यहाँ पर आई के साथ आप सेल है लिख सकते हैं, अब अपना कार्य नहीं कर चुकूंगा क्योंकि आप नकारात्मक वाक्य देख रहे हैं, आई सेल नॉट हैव, अब यहाँ डू मीन्स करना होगा, डन माई वर्क, दिस इज द सिंगल सेंटेंस सो इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। सो यू आर सीइंग, यू आर सीइंग द सेंटेंस विच इज सिंगल एंड विच इज डबल, सो द रूल्स विच हैज़ बीन इन द प्रायोरिटी ऑफ द सेंटेंस, सो द रूल्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस विल बी कनेक्टेड विल बी यूज्ड ऑन सच काइंड ऑफ सेंटेंस विच आर स्टार्टिंग इन द सेंटेंस इन द सेंटेंस वेयर बिफोर वर्ड हैज कम। आप देख रहे हैं कि जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें नकारात्मक वाक्य उसी पर लागू होगा, नकारात्मक सेंटेंस का रूल्स उसी पर लागू होगा जो दोनों वाक्यों में से प्रायोरिटी में होंगे, पहले लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस में किस प्रकार से दो वाक्यों को बनाया जाता है और निगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से दो वाक्यों में बनाया जाता है, और एक वाक्य रहेंगे तो कितना सरल है और दो वाक्य रहेंगे तो कितना डिफिकल्ट होगा। तो दो वाक्य वाले में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पहले है, पहले के बाद का जो वाक्य है वो पहले लिखा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और पहले के पहले वाला वाक्य लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह भी आपको देखना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो मुक्रिया में एस या एस लग जाएगा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो मुक्रिया में एस या एस नहीं लगेगा, या यह कह सकते हैं आप
कि जो मतलब कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का जो नियम है कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। तो अब हम इसी के अंतर्गत जो है आपको ले चलते हैं मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मतलब आप पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस को आप देख रहे हैं कैसे वो हल होता है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके सेंटेंस के नियम क्या होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस को आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब अगले वीडियो में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।